वेलकम बैक फ्रेंड्स इन पॉलिटेक्निक पंडित। तो फ्रेंड्स आप सभी को जैसा पता है कि हम लोग का टॉपिक चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक था स्टेट चार्ज कंडक्टर, सेकेंड था प्लेन चार्ज शीट एंड थर्ड था चार्ज स्फीयर, है ना। तो हमने कंप्लीट कर रखा है फर्स्ट चार्ज इन कंडक्टर, है ना, जैसे हम लोग ने पढ़ा था। उसके बाद सेकेंड आज हम लोग पढ़ेंगे और फिर थर्ड जो है हमारा चार्ज इन स्फीयर, इसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए देख लेते हैं सभी को एक बार। ये है स्टेट चार्जिंग कंडक्टर, है ना, जो कंडक्टर का केस। और फिर हमने गॉसियन सरफेस लिया था, है ना, याद होगा, जो सिलेंडर था गॉसियन सरफेस, है ना, जो सिमेट्रिक था उसका डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन द चार्ज। तो ये कंप्लीट कर चुके हैं, आप प्रीवियस लेक्चर में जाके इसे देख सकते हैं। ओके, आज हम शुरू करेंगे यहां से, है ना। गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज, है ना। गॉस लॉ प्लेन शीट ऑफ चार्ज में इसका क्या है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। ओके, सो इसको थोड़ा जो है एडजस्ट कर लिया जाए, आई थिंक। ओके 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 गुड। अब देखते हैं, देखिए ध्यान देंगे, हमारे पास यहाँ एक सीट है, ठीक है, सीट है ना, कोई मेटालिक सीट है, कोई कंडक्टिव सीट है, ठीक है। उसमें पूरे में चार्ज क्या है, है ना, वो चार्ज है ना, पूरे सभी जगह चार्ज है, पूरे स्फीयर पे, है ना। तो गॉस लॉ वहां पे अप्लाई कैसे करेंगे, है ना, और गॉस लॉ अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे निकालेंगे, आज का हमारा टॉपिक यही है, ठीक है। तो गॉस लॉ क्या करता है, हम सभी को पता है कि गॉस लॉ हमारा जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कैलकुलेशन है ना, उसको बहुत इजी कर देता है। गॉस लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इन साइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, यही करता है ना। इस चीज को आज देखेंगे, है ना, कि गॉस लॉ इस पर कैसे अप्लाई करेंगे। और गॉस लॉ अप्लाई करने का सबसे फर्स्ट क्या है कि हमें एक गॉसियन सरफेस लेना होता है, और गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए अबाउट चार्ज, है ना, उस पर जो सिमेट्रिक जो फिगर के अकॉर्डिंग हमें सिमेट्रिक सेलेक्ट करना होगा अपना गॉसियन सरफेस। ओके, तो फर्स्ट वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन, है ना, आपका जो ये प्लेट है ना, सीट है। वी हैव मिलनी वेज, बहुत सारे हमारे पास मेथड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, बट जो भी वेज है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, उसकी कैलकुलेशंस है ना, उसका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो काफी डेरिवेटिव काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वही क्या करता है, इसका सिंपलेस्ट वे होता है हमारे लिए गॉस लॉ, है ना, वी अबाउट गॉस लॉ, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को कॉम्प्लेक्स सिस्टम, कैसा भी सिस्टम, उसको सिंपलेस्ट वे में कैसे उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट किया जाए, ये हम करते हैं गॉस लॉ में, है ना। ओके, तो ध्यान देंगे पहले फर्स्ट कि हमारा जो सीट है, हमारा जो सीट है उस पर सबसे पहले हम गॉसियन सरफेस लेंगे, और सीट है उस पर हमारा गॉसियन सरफेस हम कैसा लेंगे इसको समझेंगे, ठीक है। गॉसियन सरफेस हम कैसा लेंगे उसको हम समझेंगे, ध्यान देंगे। हमारा जो गॉसियन सरफेस होना चाहिए, है ना, वो होना चाहिए क्लोज, फर्स्ट तो क्लोज होना चाहिए, राइट। सेकेंड होना चाहिए उसमें सिमेट्री होनी चाहिए, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए, ठीक है। और थर्ड क्या बोल रहा है, 3D होनी चाहिए। तो इस प्लेट के लिए आपका जो प्लेट है ना, जो कि सिंगल लेयर प्लेट है, उसके लिए अगर हम लेंगे, ओके, तो ये सिंगल लेयर जो है आपका, सिंगल लेयर के लिए जब लेंगे, ओके, तो सिंगल लेयर के लिए हम जब लेंगे तो इसके लिए कौन सा सरफेस हमारा गॉसियन सरफेस होगा, ये आपको अकॉर्डिंग टू सीट, है ना, आपको समझना होगा सबसे पहले। जैसे यहाँ पे हमने एक सिलेंडर लिया, ठीक है, ओके, हमारा गॉसियन सरफेस क्या है, एक सिलेंडर जो आपका जो दिखाई दे रहा है ना, या बेसिकली ये जो डार्क कलर में, ये वाला कलर में जो सिलेंडर बना हुआ है वो दिख रहा होगा, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग, है ना, चार्ज क्या होता है, टोटल चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। अगर आपके पास जो सीट है, आपके पास एक अगर सीट है, ठीक है, सीट को आप एज्यूम कीजिए, ओके, उसके बाद उसका एक गॉसियन सरफेस लीजिए जो सिलेंडर है, ठीक है, जो कि सिलेंडर जैसे सीट का क्या है ना, सीट के एरिया को कट करके उस सिलेंडर को एडजस्ट किया गया ऐसा, ठीक है, 3D में अज्यूम कीजिए जो यहाँ पे बना हुआ है आपका, ओके। और इस क्रॉस सेक्शन एरिया से ये क्या कर रहा है, इस सीट को पास कर रहा है, ठीक है, ओके। सो वी हैव, जब हम इस पूरे गॉसियन सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए करेंगे, तो इसका 3 स्फीयर, है ना, सरफेस है। फर्स्ट तो आपका ये देख लो कि फर्स्ट एक ये हो जाएगा इस साइड का, है ना, सेकेंड यहाँ ये हो जाएगा, है ना, और थर्ड इसका कर्व सरफेस हो जाएगा, जो आपके पास सिलेंडर है ना, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस हो जाएगा वो क्या होगा, 3rd स्फीयर हो जाएगा, ओके। तो जब हम एड ऑन करेंगे, सभी को जोड़ेंगे, है ना, जैसे 5 1 5 + 1 + 2 + 3, ठीक है, टोटल फ्लक्स होगा हमारा, ओके, तो फ्लक्स 1 ये हो गया आपका, फ्लक्स 2 इसका हो जाएगा, और फ्लक्स 3 आपका जो कर्व है, कर्व जो स्फीयर है,
है ना, जो इस थ्योरी को ऐड करेंगे तो हमारा फ्लक्स आ जाएगा टोटल फ्लक्स। तो टोटल को ऐड ऑन करेंगे, ऐड ऑन करने को ध्यान देंगे हम कि यहाँ पर जो अगर बनाएंगे तो यहाँ पे क्या 90 डिग्री है, ओके राइट। और ये इस साइड में भी अगर उसके ऊपर जो है स्फीयर जो कर्व सरफेस पे उस पर अगर फ्लक्स निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा, जो एरिया इसका है ना एरिया वेक्टर और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उस दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, ओके। तो जब यहाँ पे 90 डिग्री है तो आपको सभी को पता है कॉस 90 क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बच क्या जाता है, यहाँ पे अगर देखेंगे जो आपका फ्रंट जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो फ्रंट का जो उसका फेस है ना, और इसका जो बैक का फेस है, इस दोनों पे देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर दोनों क्या है, पैरेलल है ना। इसमें आपका एंगल क्या है, जीरो, जीरो डिग्री, राइट। तो जीरो तो कॉस जीरो क्या होता है, वन। तो यहाँ पर जब हम इसको एड ऑन करेंगे तो आ जाएगा ई ए इंटू ई ए, है ना, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए एरिया है, यहाँ पे भी देख लेंगे इसको, ओके। जब इसको एड ऑन करेंगे तो हमें मिलेगा है ना 2EA, ओके। और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, क्यू इन साइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी चार्ज इन साइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। अब चार्ज इन साइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो चार्ज इन साइड कितना है इसको देख लेंगे एक बार हम लोग, है ना। चार्ज इन साइड हमारा होगा सिग्मा इंटू चार्ज इन साइड अपॉन एरिया, है ना। और हमारा सिग्मा क्या है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सिग्मा हमारा चार्ज पर यूनिट एरिया, या चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया में चार्ज कितना है। तो अगर इस जो चार्ज हम लेंगे, चार्ज जो एरिया लेंगे, तो ये जो हमारा एरिया है सिलेंडर के अंदर, इसी एरिया को लेंगे, ओके। इसके अंदर कितना चार्ज है आप, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को देख लें, ठीक है। तो चार्ज इन साइड अपॉन एरिया, तो यहाँ पर जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा चार्ज इन साइड इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया, है ना, सिग्मा इंटू एरिया, जो एरिया है, ठीक है, ओके। तो हमारा जो है चार्ज इन साइड के जब क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2EA, है ना। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, ए से क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, टू यहाँ पर 2E साइड बच जाएगा, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा है ना, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, ये 2E साइड मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या निकल गया, सिग्मा यानी जो चार्ज पर यूनिट एरिया है अपॉन 2E एप्सिलॉन नॉट, है ना, जो परमिटिविटी है आपका फ्री स्पेस का, है ना। तो हमारा जो सीट है उस सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो गया, ओके। तो ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन सीट ऑफ चार्ज एट द डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द चार्ज इफ द सीट इज इन्फिनिटी लॉन्ग। इसके कहने का क्या मतलब है, ध्यान देंगे यहाँ पर एक बार हम ध्यान देंगे, हम जो निकाल रहे हैं जो डिस्टेंस है हमारा, है ना, ये जो हमारा डिस्टेंस है एक्स, ठीक है, कहाँ से भाई, हमारे सीट से, है ना। और इसकी हमने ए निकाला, राइट, यहाँ पे चार्ज। तो कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, कंपेरेबली छोटा होगा जो हमारा सीट है उससे के कंपेरिजन में, है ना, राइट। ऐसा हम एज्यूम करके चलेंगे कि हमारा जो सीट है वो इनफिनिटी इनफिनिटी लॉन्ग। कहने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा डिस्टेंस है वो, जो हमारा मेजरेबल डिस्टेंस है वो बहुत कम होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, इसके बाद हम लोग स्फीयर, है ना, चार्ज का कैलकुलेशन देखेंगे, ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर।